Hey guys, welcome back to Happy Soul Channel. My name is Manisha and I make video related to food and vlogging. आज हम आए हैं एक सौ चार में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है आदित्य, जहाँ पर सुना है कि साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो हमने सोचा उसका रिव्यू करते हैं और इसी से रिलेटेड पूरा वीडियो होगा। यहाँ पे कैसा है, टेम्पेस कैसा है, प्राइस क्या है, वो सब आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अच्छा वीडियो। पहली चीज़ ऑर्डर की है वो है फ्राइड इडली, इसके साथ यहाँ पे प्याज दिए है, चटनी दी है और हमने ड्रिंक्स में एक शेक ऑर्डर किया है और एक ही आदित्य में स्पेशल था वो ऑर्डर किए हैं। सो इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे है। देखने में तो काफ़ी स्पाइसी सी लग रही है, टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसी है। बहुत ही सॉफ्ट है इडली और हरी चटनी दी हुई है इसके साथ, ये मसाले वाले प्याज दिए हुए हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इडली पे जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब होता ना इडली कभी कभी बहुत ब्रांड से टेस्ट करती है, बट ये एकदम वैसे ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं टिक्का खा रही हूँ। तो बेसिकली इस डिश का नाम इडली टिक्का है और कॉस्ट और रेटिंग वगैरह मैं सब आपको लास्ट में बताऊँगी। अभी हम ये इंजॉय करते हैं फिर नेक्स्ट। तो वैसे ड्रिंक्स में हमने ऑर्डर किए हैं एक एक कोल्ड कॉफ़ी। सिंपल सी प्रेजेंटेशन है बट ऊपर से काफ़ी बटर ऐसा लग रहा है, क्रीम जम गई है पूरी और थिक है ये। टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। बहुत ही लाइट स्वीट है, मतलब ज़्यादा नहीं है, कॉफ़ी ज़्यादा है, दूध कम है। जिनको फिल्टर कॉफ़ी पसंद है उन्हें काफ़ी अच्छी लगेगी, मुझे अच्छी लगी। और रेट एंड रेटिंग पूरे रेस्टोरेंट की मैं आपको एंड में बताऊँगी, तो वीडियो पूरा देखेगा। एंड जो हमने सेकेंड ड्रिंक ऑर्डर की है इसका नाम है कुछ, इन्होंने बताया था अतिथ्यम ड्राइव। सो मैं पूछूंगी इनसे इसका नाम इन्होंने ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि इस पे ऊपर से अगर आप इसमें देखो तो ऊपर से लेमन डाल रखा है, मिंट है, और इसे टेस्ट करते हैं देखते हैं ये कैसी है। इसका टेस्ट मैं कैसे बताऊँ, बहुत अच्छा सा लेमनी सा टेस्ट है और ऊपर से लेमन का वो भी डाला हुआ है और बहुत ही डिफरेंट है। जैसे एक बहुत अच्छा सा लेमन शिकंजी बोल सकते हो बट बहुत लेस शुगर के साथ, तो जिन्हें ऐसे लेमन वाली शिकंजी लेस शुगर वाली पसंद होगी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अभी हमारा और खाना आता है, हमें यहाँ पर एक स्पेशल डोसा है जो 249 में हमने सुना है कि काफ़ी बड़ा सा डोसा है जो दो तीन लोग आराम से खा सकते हैं या और भी ज़्यादा, तो आते हैं देन आपको दिखाते हैं। स्पेशली हम उसके लिए आए हैं क्योंकि हमने सुना कि यहाँ पे इतना बड़ा डोसा मिलता है, तो हमने सोचा आपको दिखाते हैं, वो थोड़ी नई चीज़ हो जाती है। सो डोसा आता है हमारा, देन आपको दिखाते हैं। हमने लिया है बाहुबली डोसा और ये यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे है। आप देखो आराम से इसमें तीन लोग तो बहुत आराम से खा सकते हैं और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 249 रुपीज़। और इसके साथ ही हमें वाइट चटनी, ग्रीन चटनी, सांभर है और दो जगह इन्होंने इसकी स्टफिंग दी हुई है। और इस डोसे में अंदर कोई स्टफिंग नहीं है और ये एक कोई रेड चटनी है। मैं एक बार बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि इसमें अलग अलग क्या है। और अच्छा, कोकोनट मिंट चटनी, ठीक है, सांभर, ठीक है, पोटैटो मसाला, कोकोनट स्वीट, कोकोनट जैगरी स्वीट चटनी, अच्छा ये जैगरी एंड स्वीट है, हाँ, पीनट गार्लिक चटनी, ओके ओके। अच्छा ये आप 6 फीट का डोसा है रही, अप्रोक्सीमेट कितने लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ये? 3 मेंबर के हिसाब। थैंक यू। गाइस हमने यहाँ पे जैसा कि बताया था कि 6 फीट का डोसा है यहाँ पे, कितना बड़ा है, तीन लोग इसमें आराम से खा सकते हैं। साथ में हमने सब्जी वगैरह दी है
और आपको ऑलरेडी बताया ही यहाँ पे, अब इसे किधर से खाएं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो बीच से थोड़ा सा कट करूँगी मैं इसको यहाँ से तोड़ के, एंड देन मैं अपना खाना स्टार्ट करूँगी। कितना बड़ा डोसा है, इसको कितना रखें रख देते। डोसा काफ़ी क्रिस्पी है अगर आप देखो तो, और इसमें पनीर की स्टफिंग है, प्याज थोड़ा थोड़ा सा प्याज भी है, और टेस्ट करके देखते कैसा है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, डोसे पे हल्का सा मसाला डाल रखा है, इसमें थोड़ा सा स्पाइसी भी लग रहा है, कुछ भी बहुत ब्लैंड नहीं लग रहा, और बहुत ही अच्छा। अगर मतलब आप डिसेंट डोसा खाते हैं, मसाला डोसा है, मसाला पेपर डोसा है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये सांभर जो है वो स्पाइसी है लेकिन तीखा नहीं है, सो आप इसे इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ना कुछ होते हैं जो गले में लगते हैं, ये वैसा नहीं है, मुझे काफ़ी पसंद आया। अभी सेकेंड बाइट जो है चटनी से ट्राई करते हैं। वही चटनी भी काफ़ी अच्छी है, और ऊपर से इन्होंने आपने देखा ये आलमंड बादाम डाल रखे हैं, और काफ़ी सही लगा मुझे। और ये जैगरी वाली चटनी ट्राई करती हूँ स्पेशली, क्योंकि उन्होंने जैसे जैगरी मेंशन किया मैंने, मुझे लगा ये स्वीट चटनी होगी, और मुझे ऐसे स्वीट का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, सो ये टेस्ट करती हूँ। हम लोग जितने के ही थक गए थे खाएंगे, अभी इसको फिनिश करना है, फिर स्वीट डिश आती है, फिर आपको दिखा। एक कोकोनट आइसक्रीम है, और मैंने पहली बार ऐसे कोई कोकोनट आइसक्रीम ट्राई कर रही हूँ, इसमें ऐसे देखिए प्रॉपर दिख रहा है कि कोकोनट और आइसक्रीम के साथ इसको मतलब जमाया गया है, टेस्ट क्रीम के साथ कैसे है ये। वनीला आइसक्रीम में कोकोनट को और शुगर को मिक्स करके प्रॉपर तरीके से कोकोनट आइसक्रीम बनाई गई है, जिनको कोकोनट बहुत पसंद है उन्हें अच्छा लगेगा, और बहुत ही यूनिक चीज़ लगी, इससे पहले मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। और अगर ओवरऑल फूड की बात करें हम यहाँ पे, तो मैं फूड को रेट करूँगी 4.5 out of 5, क्योंकि मुझे फूड अच्छा लगा, डोसे में घी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, और आइसक्रीम भी बहुत फ्रेश है, और जो हमने इडली टिक्का ट्राई किया था वो भी काफ़ी स्पाइसी था, अच्छा सा था, तो मैं ओवरऑल फूड को रेट करूँगी 4.5 out of 5। लोकेशन मैं आपको बता दूँगी कहाँ पे है, उसमें मेंशन कर दूँगी ऊपर। वैसे ये सेक्टर 104 में जो मैं पिछले रेस्टोरेंट आई थी एक रोबोट वाले, उसके जस्ट बगल में ही है, तो आपको ढूंढने में कोई इश्यू नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।